नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आज गाजीपुर के जिला चिकित्सालय और जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण करने आए थे। इस दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय में सभी वार्डों, इमरजेंसी औषधि केंद्र में घूम घूम कर सारी व्यवस्थाओं को देखा और मरीजों से बात की। इसके बाद वे महिला अस्पताल भी गए और वहाँ जाकर मरीजों से और चिकित्सकों से बात की और वहाँ का हाल जाना। इस दौरान गाजीपुर के जिला अस्पताल सहित तमाम स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की भारी कमी पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। ने सर हेल्थ इंडिकेटर्स के ग्राउंड पे जो इंडेक्स जारी किया उसमें केरला नंबर वन पोजीशन पे, लोएस्ट पोजीशन में सर यूपी है, सर कैसे आप इसको देखिए? उसके अंदर जो उन्होंने दिया है तो वास्तविकता है, और लेकिन उन्होंने 2017 का आंकड़े लिए हैं और 2017 में ही हमारी सरकार आई है, तो इसलिए उसकी सही रूप से कहीं हम अपने सरकार के ऊपर टिप्पणी करें तो सही नहीं होएगा। और वो विरासत में हमें कोई चीज़ मिली थी, तो जो विरासत में मिली उसके अंदर हम सुधार कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी नीति आयोग ने कहा कि जो आपके पिछले आंकड़े थे उसमें 2017-18 में 23 में से 14 में आपने सुधार कर दिया, तो अब जो भी है, मगर हम लोग 2018 के अंदर जो जहाँ पे सुधार नहीं हुआ उन जगह हम लोग का सुधार हो गया है। वो 2018 की जो रिपोर्ट आपको दिखेगी नीति आयोग की, उसमें आपको सुधार दिखेगा। सर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में सर डॉक्टरों की कमी है, कॉमन क्राइसिस? ये तो कॉमन क्राइसिस है, मेरे यहाँ नहीं है, पूरे देश भर में है और ये वास्तविकता है। इसीलिए मोदी जी ने और नीति आयोग ने ये निर्णय किया कि मेडिकल कॉलेजेस और बने। उत्तर प्रदेश में 13 और मेडिकल कॉलेजेस बन गए हैं। अब उसके बाद 3 साल के बाद जब कोर्स शुरू होता है तो वहाँ से डॉक्टर्स आएंगे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी 3 साल के बाद आपको 400-500 डॉक्टर्स और मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये एक ये प्रक्रिया है। सर एसपी बीएसपी अलायंस ने बीएसपी ने बहुत क्लियर और ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि अभी अलायंस फर्दर नहीं होगा, सर कैसे? तो अवसरवादी थे, उनको अवसर मिला नहीं, उसमें हार गए, तो इसलिए उन्होंने तोड़ दिया। ये तो सबको पता था, तो इसलिए जनता ने भी उनको नकारा और जनता ने विकास को चुना, इसलिए मोदी जी और बीजेपी को चुना है। पीपीपी मॉडल पे गाजीपुर में जिला महिला अस्पताल भी बनाया गया है 100 बेड वाला, और 2017 में उसका लोकार्पण हो गया और अब तक वो नहीं, उसका ऐसा नहीं है। उसके लिए वो व्यवस्था जो है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसमें वो ट्रांसफर होना है, तो इसलिए वो प्रक्रिया थोड़ी सी रुक गई है। गाजीपुर में जो डॉक्टरों की कमी है तो क्या क्या माना जाए कि 3 साल बाद ही गाजीपुर में डॉक्टर मिल पाएंगे? वो तो पूरे उत्तर प्रदेश में यह हाल है, तो ये तो स्वाभाविक है। डॉक्टर्स तो आप और हम नहीं पैदा करेंगे, वो तो मेडिकल कॉलेज करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से है, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 70 साल में 13 मेडिकल कॉलेज थे, आज जब से योगी जी की सरकार आई है उसने 13 और जोड़ लिए हैं, तो आपके 3 साल के बाद 500 डॉक्टर आएंगे, हर साल 500 डॉक्टर और मिलते जाएंगे, तो जो कमी है इसी तरह पूरी होगी। जब भी हमने 2 साल के अंदर वॉक इन इंटरव्यू और अनेक प्रकार की चीज़ें जो करी हैं उसके अंदर, और लोकसेवा आयोग के साथ साथ हम लोग 4,000 से ऊपर डॉक्टर्स लेकर आए हैं, तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कभी इतने डॉक्टर्स नहीं आए जितने हम लोग लेकर आए। मगर कमी अभी भी भरपूर कर भरना है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। सर आज जो निरीक्षण आपने किया है, निरीक्षण में क्या मतलब माना जाए, क्या होगा? नहीं, निरीक्षण जो किया है उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उसमें व्यवस्था देखी जाती है कि जो दवाइयाँ होती हैं, जो वार्ड्स होते हैं, जो ओटीज होती हैं, ये जितनी चीज़ें हैं वो सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, साथ साथ उसके अंदर ये भी देखा जाता है कि और क्या कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। अभी मैं समीक्षा करने जा रहा हूँ, उसके बाद आप कहीं पूछेंगे तो बताऊँगा। सर एक छोटा सा सवाल हो रहा है, सर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक डेटा रिलीज़ किया है जिसमें सर कि कंटिन्यूस जो है कि स्टीप डाउन फॉल हुआ है सर प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना में, तो सर बीइंग स्पोक पर्सन ऑफ द स्टेट सर कैसे आप इसको? नहीं देखिए, सच बोलेंगे तो मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं है, मैं खुद दौरे पर निकला हूँ, इधर पढ़ के ही मैं बोल सकता हूँ।